हेलो, आज का हमारा वीडियो में है इलेक्ट्रीशियन वायरिंग। इलेक्ट्रीशियन वायरिंग करेंगे तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, टूल्स और सामान, मतलब मटेरियल और औजार। देख लीजिए, बहुत सारे यहाँ पर मटेरियल्स है, औजार है, और ये हमारे घर का वायरिंग में इससे ज़्यादा नहीं लगता है, ये काफ़ी है। यदि आप इसके बारे में समझ जाएँ, जान जाए, तो ये आपके लिए काफ़ी है। आपका घर का वायरिंग में ए टू जेड सामान और औजार आपके पास रखा गया है, और मैं सबके बारे में कुछ सबको समझा देंगे, कुछ बता देंगे। बस थोड़ा सा समय दीजिएगा और अच्छे से इस वीडियो के देखिएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है? तो अच्छे से आप लोग देखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वायर कटर है, इससे हम लोग तार काटते हैं। आइए सर, ये जंक्शन बक्स है, इसमें हम लोग फिट करते हैं, ऐसे लगाते हैं। ये जंक्शन बक्स है, ध्यान रखिएगा। ये एमसीबी है, आपको अलग अलग टाइप का एमसीबी है, इसके बारे में बताऊंगा बाद में। ये सॉकेट है, 5-pin सॉकेट बोलते हैं। ये यहाँ पर देखिए सर, ये चौक है, ये सिंपल चौक है और ये इलेक्ट्रिक चौक है, आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है? ये इलेक्ट्रिक चौक है, ये सिंपल चौक है, इसमें 6 वायर होता है, इसमें 2 वायर होता है, आपको बता देंगे। ये वायर स्ट्रिपर है, तार छीलने के लिए, काटने के लिए। ये देखिए सर, ये फ्यूज है, ठीक है, देखिए अच्छे से फ्यूज है। ये सॉकेट है, ये सॉकेट है, बहुत सा पीस है मेरे पास। ये चाइनीज काटी बोल सकते हैं, या आप काटी बोल सकते हैं, कील बोल सकते हैं, इसका काम अलग है। इसका काम आपको मैं बता रहा हूँ, ये लगाएंगे, ये हमारा केसिंग कैपिंग बॉक्स है, इसको बोलते हैं केसिंग कैपिंग बॉक्स, तो हम लोग इसको यहाँ पर डालते हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ये स्क्रू है, ये प्लग है, ये प्लग है, ये अलग अलग साइज का होता है, इसको बोलते हैं रबर प्लग या प्लास्टिक प्लग बोल सकते हैं। ड्रिल मशीन में काम आएगा, जब ड्रिल करेंगे दीवार में और इसको डालकर इसके ऊपर में किल लगा देते हैं। ये हमारा स्क्रू है, छोटा मोटा स्क्रू है, बोर्ड को कसने के लिए बहुत जगह वायरिंग में काम आएगा। ये टू वे स्विच है, देख लीजिए, इसमें 3 पिन होता है, अच्छे से देखिए, 3 पिन होता है, 2-way स्विच है। ये सेडल है, ये अलग अलग साइज़ का आता है, 1/2 इंच, 1 इंच, 2 इंच, तो अलग अलग साइज़ का आता है। ये सेलिंग रोज है, ये सेलिंग रोज है, ध्यान से देखिएगा। ये होल्डर है और LED बॉल भी है, होल्डर है, ये न्यू होल्डर है, और मेरे पास है ये भी होल्डर है, ये अलग अलग होल्डर है, होल्डर मैं आपको सब अलग अलग वीडियो बना दूंगा, बहुत सा होल्डर आता है हमारे लैब में, तो देखिएगा अच्छे से। बगल में ये हमारा इलेक्ट्रिक बेल है, घंटी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक बेल या घंटी। ये बैटरी है, इसमें लगाते हैं, यूनिटी बैटरी है, इसमें डालते हैं, यहाँ पर खोल के डालेंगे, बैटरी पर काम करेगा, देख लीजिए। ये रेगुलेटर है, रेगुलेटर फैन को स्पीड को काम किसी काम में क्या होता है। ये बेल स्विच है, दबाएंगे तो काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। देखने में जस्ट लाइक आपका सिंपल स्विच जैसा लगता है, लेकिन ये बेल स्विच है। बगल देखिए सर, ये हमारा 1-way स्विच है, जो बोर्ड में लगता है, तो ध्यान रखिएगा अच्छे से। ये हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर है, जो तार को छीलने के लिए, पकड़ने के लिए काम आएगा। ये फेस टेस्टर, ये इंडिकेटर है, ये डीपी स्विच मेन बोर्ड में लगता है, मेन सप्लाई यहाँ से हम लोग काट सकते हैं, दे सकते हैं। ये सेलो टेप है,
वायरिंग काम में बहुत आता है। ये अलग अलग कलर का होता है। ये स्क्रू ड्राइवर है, छोटा है, स्टार भी है, छोटा है, स्टार फ्लैट दोनों चेंज हो जाएगा इसमें। तो ये स्क्रू ड्राइवर है, अलग अलग साइज़ का है, देख लीजिए। ये हैमर है, हथौड़ा आपको वायरिंग में काम आएगा। ये मेजरिंग टेप है, आपको वायरिंग काम में आएगा, पाइप काटने के लिए, पाइप नापने के लिए बहुत सा काम आएगा। ये देखिएगा, ये प्लग बोलते हैं, ये 3 पिन प्लग है, ये 2 पिन प्लग है, बहुत इसका अलग अलग काम है, तो ध्यान रखिएगा। ये प्लग है, ये हमारा फ्यूज है, ये 10 एम्पियर से स्टार्ट होता है, 16 एम्पियर का भी होता है, 12 एम्पियर का भी होता है, और 50, 60, 100 एम्पियर का होता है। ये देखिए सोल्डरिंग आयरन है, हम लोग इसे सोल्डरिंग करेंगे। ये पेस्ट है, जिसको आप बोल सकते हैं पेस्ट फ्लक्स। ये सोल्डरिंग वायर है, जिसको आप लोग बोलते हैं रंगा, ध्यान रखिएगा। ये ड्रिल बिट है, अलग अलग साइज का है, ड्रिल बिट है। ये ड्रिल बिट आपको दीवार में होल करेगा, और ये ड्रिल बिट लकड़ी में होल करेगा, ध्यान रखिएगा। लकड़ी में और लोहा में, चादर में, प्लेट में कर सकता है, स्टील का प्लेट। तो ये ध्यान रखिएगा, प्लेट लोहा, ये दीवार में। ये ड्रिल मशीन है, जो वायरिंग में बहुत सा काम आता है, ड्रिल मशीन है। ये बैटरी है, जो हम लोग काम आता है मल्टीमीटर लगाने के लिए। ये बल्ब है, लाइट बल्ब है, अलग अलग कलर का होता है, ब्लू, रेड, येलो सब होता है, ध्यान रखिएगा। ये येलो है, इसको बोलते हैं नाइट बल्ब बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको बोलते हैं जंक्शन बक्स, इसको बोलते हैं जंक्शन बक्स। ये जंक्शन बक्स है, अलग अलग होता है, ये 4-वे है, ये 2-वे है, ये 3-वे है, या टी बोल सकते हैं। ये केसिंग कैपिंग जंक्शन बक्स, इसको हम लोग केसिंग कैपिंग पाइप में वायरिंग करते हैं, और ये पाइप में। ये बोर्ड है, बोर्ड बन के रख दिया गया है, यहाँ पर बना कर रख दिया गया है, बोर्ड बना कर रख दिया गया है, अलग अलग साइज का बोर्ड बना दिया गया है। प्लस में ये देखिए फ्रेम है, इसको बोलते हैं बोर्ड फ्रेम बोलते हैं। ये अलग अलग बोर्ड फ्रेम है, अलग अलग डिज़ाइन का है, तो आप देख लीजिए, अलग अलग फ्रेम का है। ये देखिए अलग फ्रेम का है, इसके बाद ये देखिए अलग फ्रेम का है, अच्छे से देख लीजिए। ये इसको बोलेंगे बोर्ड, इलेक्ट्रिकल बोर्ड बोलेंगे। ये फ्रेम है सनमाइका का, इसको बोलेंगे बोर्ड, एक सेट पे लग गया, इसको बोर्ड बन जाएगा। इस तरह से इसमें लोग स्क्रू टाइट कर देंगे, तो ये अलग अलग साइज का रखा गया है यहाँ पर। ये देखिए हेक्सा फ्रेम है, पाइप को काटने के लिए काम आएगा, छोटा में भी होता है, ये बड़ा में भी होता है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। ये बल्ब है, ये हमारा ट्यूबलाइट है, अलग अलग साइज का ट्यूबलाइट है। ये ट्यूबलाइट फ्रेम है, अच्छे से देखिए, ट्यूबलाइट फ्रेम है, ट्यूबलाइट फ्रेम है हम लोग। ये पाइप है, देखिए दोनों पाइप है, आपका पाइप है कैसे कैपिंग, और दोनों पाइप है, लंबा सा पाइप है, देख लीजिएगा। ये केसिंग कैपिंग है, और ये गोल वाला पाइप है, तो ध्यान रखिएगा ये पाइप है, ठीक है। ये वायर काटा हुआ है, देख लीजिए, आपको बोर्ड बनाने में बहुत सा काम आएगा। मैं यहाँ पर 500 बोर्ड है, हम लोग जो बोर्ड बनाएंगे तो इसको बहुत काम आएगा। और ये देखिए वायर बंडल का है, यहाँ से हम लोग वायर निकालते हैं, यहाँ से वायर निकाल कर निकाल लेंगे, यदि यहाँ से निकालेंगे तो फंस जाएगा, ध्यान देखिए। यहाँ से यदि वायर हम लोग निकालेंगे बंडल का, ठीक है, ध्यान एक अच्छा से ध्यान रखिएगा। यदि न्यू आप लोग वायरिंग करते हैं, ये वायर को हम लोग यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, ये वायर को हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग वायर से निकाल लेंगे, यहाँ से निकल जाएगा वायर, इसमें कटिंग कर लेंगे, वायर आपका ख़राब नहीं होगा। यदि हम लोग इसमें से वायर निकालते हैं तो आपका वायर ख़राब हो सकता है, इसमें
निकालने में बहुत दिक्कत होगा, फंस सकता है, जाल जैसा फंस जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये वायर 1 mm का है और 0.50 नहीं बोल सकते, 0.5 mm का है, ये 0.5 mm का वायर है और 2 mm का भी वायर लगता है, 2.5 mm का वायर है और वायर रखा गया है। तो वायरिंग में आपके पास जितना आप सामान देखे हैं, जितना आप औजार देखे हैं, देख लीजिए अच्छे से, जितना भी औजार है और जितना भी हमारे पास टूल्स है, सामग्री है, इसे एक भी ज़्यादा नहीं लगता है घर में। यदि आपके पास इतना सामग्री है, औजार है, तो आप अच्छे से घर में वायरिंग कर सकते हैं और कोई डाउट नहीं है, समझ सकते हैं। आप देख लीजिए अच्छे से A to Z, ये हमारे पास औजार भी है और सामान भी है, मतलब सामग्री और औजार दोनों हैं, और वायरिंग करने में इतना सामान लगता है, इतना टूल्स लगता है, अच्छे से आप देख लीजिए, समझ लीजिए, A to Z आपके पास रखा गया है, और कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।